चाणक्य भारत का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान आपको एक बेहतर इन्फ्लुएंसर बना सकता है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट करा सकता है, आपको रिलेशनशिप एडवाइस दे सकता है और इसका राज इस सीक्रेट बुक में छुपा हुआ है। ये है चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो आपको 21st सेंचुरी की इंटरनेट एज में मदद कर सकता है, भले आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। क्या बकवास है, एक ऐसा इंसान जो 2000 साल पहले गुजर गया, तब जब स्मार्टफोन तो क्या नोकिया का डब्बा फोन भी नहीं हुआ करता था, लोग मैसेज ईमेल से नहीं कबूतर से भेजते थे। कबूतर जा, जा, जा। उस जमाने का इंसान और उसका नॉलेज आज कितना आउटडेटेड हुआ होगा, नहीं शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे। लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मुझे चाणक्य के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे राज आपके साथ शेयर करने हैं जो आपको एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के एंशियंट नॉलेज को एक आसान भाषा में आज की जनरेशन तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, कोई स्पेशल नहीं होता। चाणक्य मानते थे कि कोई भी स्पेशल नहीं होता, लेकिन कोई भी स्पेशल बन सकता है। मानो आज की दुनिया एक चेस का बोर्ड है और हम सब चेस के पीसेस हैं। कुछ पीसेस के पास ज्यादा पावर होती है और कुछ पीसेस के पास कम पावर होती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर पीस के पास कुछ ना कुछ पावर जरूर। एक चेस बोर्ड का सबसे कमजोर पीस अपने कर्मों से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस बन सकता है, कहानी का रुख बदल सकता है। चाणक्य एक राजा नहीं थे, लेकिन वो राजा से कहीं बढ़कर थे। ही वाज अ किंग मेकर। अगर आपको उनकी कहानी पता ना हो तो एक शॉर्ट वर्जन सुनाता हूं। चाणक्य एक दिन नंदा डायनेस्टी के दरबार में गए। वहां के राजा और मंत्रियों ने उनकी जमकर इंसल्ट की। तब उन्होंने ये शपथ ली कि वो नंदा डायनेस्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन चाणक्य को खुद राजा बनने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने एक दिन एक बच्चे को सड़क पर खेलते हुए देखा, जो एक नेचुरल बॉर्न लीडर था। उन्होंने उसी बच्चे को ट्रेन किया और भारत की एक महान डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी का जन्म हुआ। आज ना ही राजा है ना ही राज्य, लेकिन चाणक्य मानते थे कि सिस्टम चेंज नहीं होती, उसके नाम बदलते हैं। आज के राजा कौन है? CEOs, politicians, institutions, जो अपने अपने फील्ड के किंग हैं, लीडर्स। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें यही सिखाती है कि भले ही सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी नींव करप्ट हो, अगर वो अंदर से ही खोखली हो, तो एक आम इंसान भी उसे तोड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे कई कहानियां सुनी जहां एक इंसान ने एक पूरी कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ी और वो जीत गया। टाइम लगा, लेकिन वो जीत गया, क्योंकि उस कंपनी की जड़ें मजबूत नहीं थी। चाणक्य मानते थे कि कोई भी जस्टिस से बड़ा नहीं होता, और आज ये लेसन एक आम इंसान को याद रखने की जरूरत है। आज की कई सारी कंपनीज, कई सारी स्टार्टअप्स का मेन प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। दे वांट टू ग्रो बट एट एनी कॉस्ट, सो दे डोंट केयर अबाउट देयर कस्टमर्स, दे डोंट केयर अबाउट देयर एम्प्लॉइज, एंड दैट लीड्स टू देयर फेलियर। चाणक्य ने हमें इसी के अगेंस्ट वार्न किया था, दैट नोबडी इज दैट स्पेशल कि वो कभी फेल ही नहीं होंगे। लेसन नंबर 2, दोस्त और दुश्मन में डिफरेंस क्या होता है? आज हम इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से कई बढ़कर है। अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, वो बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस के बारे में, वॉर के बारे में। एक लीडर को अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सही और गलत में चूज कैसे करना चाहिए, और अपने जमाने का रुख कैसे मोड़ना चाहिए, ये सब हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। कैसे? आपने साइमन सिनेक का नाम सुना होगा। उनकी टेड टॉक स्टार्ट विद वाई दुनिया की हाईएस्ट वॉच टेड टॉक में से एक है। उन्होंने एक रेडिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई, स्टार्ट विथ वाई। दुनिया में फोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी लोग एप्पल का फोन क्यों खरीदना पसंद करते हैं? मर्सिडीज की गाड़ी आज भी हमें लग्जरी की पहचान क्यों लगती है? ताज होटल का नाम सुनते ही 5-स्टार फीलिंग क्यों आती है? इन सारे सवालों के जवाब उनके पर्पस से जुड़े। एक बड़ी कंपनी अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि उन्हें एक आइडेंटिटी बेचती है, एक ग्रुप का हिस्सा बनाती। ये नॉलेज जिसे आज हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी मुझे अर्थशास्त्र में मिला, लेकिन ऑफ कोर्स एक डिफरेंट फॉर्म में। पुराने जमाने में जब भी कोई राजा दूसरे किंगडम पर अटैक करता था और जीत जाता था, तो हारे हुए राज्य के सैनिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना लेता था। ये तो प्रॉब्लम है, कल तक जो एनिमीज थे आज हम उन्हें पावर दे रहे हैं, उनके हाथ में हथियार दे रहे हैं, कल वो उठकर हमारा ही गला काट दे। तो चाणक्य हमें सिखाते हैं कि एक आइडेंटिटी एक स्विच की तरह नहीं होती जो एक दिन में बदल जाए, एक प्रोसेस होती है। चाणक्य ने वॉर के जरिए हमें ब्रांड बिल्डिंग सिखाया है। युद्ध का नियम यही है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट एनिमी नहीं होता, दोस्त और दुश्मन दोनों से संभल कर रहना होता, क्योंकि कोई भी दुश्मन दोस्त बन सकता है और दोस्त दुश्मन। लेसन नंबर 3, मदद मांगने से ना डरो। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद की जॉब करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, खुद के डिसीजंस लेने लगते हैं, तो समझते हैं कि हमें सब आता है। ये फॉल्स सेंस ऑफ ग्रेटनेस, फॉल्स सेंस ऑफ ईगो हमारे फेलियर को हमारे पास लाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जैसे राजा को भी एक काउंसिल की जरूरत होती है, कभी कभार हमें भी मदद की जरूरत होती है। और ये मदद किससे ले?
किसी ऐरे गेरे से नहीं, चाणक्य। मदद किन से लेनी है ये भी स्पेसिफाई करते हैं। अगर प्रॉब्लम पर्सनल हो तो अपनों से, अगर प्रॉब्लम प्रोफेशनल हो तो एक्सपर्ट से, और अगर प्रॉब्लम जनरल हो तो हमारे कस्टमर्स, हमारे ऑडियंस या फिर प्रजा से। सही प्रॉब्लम के लिए गलत जगह पर सलूशन ढूंढना गलत। अपने कॉम्पिटिशन से कभी भी सलाह मत लो, क्योंकि अगर वो सही सलाह देता है तो वो आपका असली कॉम्पिटिशन है ही नहीं। कहते हैं ना, यू आर द सम टोटल ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट विद। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हो, ना चाहते हुए भी उनको मिमिक करते हो, उनकी अच्छी बुरी दोनों आदतें अपने आप में ढाल लेते हो। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा राजा अगर बुरे मंत्रियों से घिरा हो तो कभी भी राज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक बुरा राजा अच्छे मंत्रियों से घिरा हो तो सालों साल गद्दी पर बैठा रहेगा। आज की दुनिया में ये 5 लोग सिर्फ 5 इंसान नहीं है, वो YouTube चैनल्स है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, वो पॉडकास्ट हैं जो आप सुनते हैं, बेसिकली वो सारी चीजें हैं जो करने में आप आपका टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये है आपका पर्सनल हाई काउंसिल, चूज इट वाइजली। क्या आज का ये वीडियो देखकर आपकी क्यूरियोसिटी जागी? ऐसा लगा कि चाणक्य ने जो सिखाया वो आज रेलेवेंट है, पढ़ने लायक है? अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्राचीन नॉलेज को मॉडर्न फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। और अगर आप ऐसे ही और चाणक्य नीति पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि चाणक्य भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य के शिल्पकार थे। अगर उनका नॉलेज, उनका एक्सपर्टीज चंद्रगुप्त मौर्य को एक आम इंसान से राजा बना सकता है, तो वो आज आपको आपके गोल्स अचीव करने में मदद भी कर सकता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने यहां तक देख ही लिया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्या भगवत गीता आज रेलेवेंट है? इस टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया है जो आप यहां पर देख सकते हैं। कृष्ण भगवान से मैंने जो 8 लेसन सीखे हैं वो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।